एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है हमारा। आज रामनवमी भी है और महानवमी भी है, तो आज हम लोग करने वाले हैं गुडली का अन्नप्राशन। तो गुडली की दादी बोली कि आज के दिन ही करने, आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ है, तो इसीलिए हम लोग आज के दिन ही अन्नप्राशन कर रहे हैं। ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले थे, ना ही डेकोरेट करने वाले थे, ना ही कुछ भी करने वाले थे। जस्ट नॉर्मल हम लोग सोचे थे कि खीर बना देंगे एंड गुडली को बस थोड़ा सा चिटा देंगे। लेकिन मैं पूरा बोर भी हो रही थी, कुछ काम उतना था नहीं खास, तो सोची कि चलो थोड़ा सा डेकोरेट ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा मोमेंट याद हो जाएगा कि हाँ चलो, मतलब एन वक्त पे मैंने फट सा नहीं कुछ किया ऐसे करके। एंड यही सब मोमेंट तो याद रह जाती है। एंड देख ही सकते हैं आप डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है, मतलब स्वीट एंड सिंपल लग रहा है। और आपके आपको सच बता दूं, कुछ भी ऐसा हम लोग खरीदे नहीं, घर में जो अवेलेबल था बस उसी से डेकोरेट कर दिया। और अकेले में भी कुछ सेलिब्रेट करने में उतना मजा नहीं आता है, बहुत लोग रहते तो सेलिब्रेट करने में भी अच्छा लगता है। वो तो मेरी एक फ्रेंड है और जो मेरी नेबर भी है, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, उनके वजह से ही हम लोग और अच्छे से कर पाए। उन्होंने खाना बनाने में भी बहुत हेल्प किया और सब चीज में मेरा हेल्प किया। सब कुछ खाना वगैरह बन गया था तो भगवान को भी सोचा कि थोड़ा सा भोग लगा दूं, तो उनको भी लगा दिया भोग। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये सब चीज़ भी बहुत बेटर अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे तो फोटोज़ वगैरह भी अच्छा आएगा, वीडियोज़ भी अच्छा आएगा। हमें क्या है, बस यही ना कि थोड़ा सा अच्छा अच्छा, मतलब जो पल होता है, मोमेंट होता है, वो कैप्चर करने के लिए हम लोग करते हैं इतना मेहनत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या बनाया। तो दाल वाला पूरी बनाया, आलू गोभी मटर की सब्जी, खीर बनाई, सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए, रसमलाई थी, सारी फ्रूट्स वगैरह थी और पानी भी थी। स्टार्टिंग में खीर तो हमने नॉर्मल कटोरी में डाला था, लेकिन फिर अचानक से हमें याद आया कि हमारे पास सिल्वर की भी कटोरी या चम्मच है, फिर हमने उस कटोरी से इस कटोरी में ट्रांसफर कर लिया। एंड सच बताओ, इतना टेस्टी बन गया था ना कि हमें यकीन ही नहीं, एकदम भोज वाला खाना बन गया था। एंड फाइनली जिस मोमेंट का हमें एकदम बेसब्री से इंतजार था, वो हमारे सामने है। एंड देखिए हम लोग कैसे, हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर के गुडली को फर्स्ट, मतलब पहली बार खीर खिलाए, कुछ अन खिलाए हम लोग। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरा सारा व्लॉग जरूर देखिए। बाय बाय।